हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 5 मई से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1479 ईस्वी में आज ही के दिन सिखों के तीसरे गुरु अमरदास का जन्म हुआ था। उन्हें पंजाब के प्रशासनिक जिलों में विभाजन और सिख धर्म के प्रसार के लिए मिशनरी कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए जाना जाता है। सन 1818 ईस्वी में आज ही के दिन महान विचारक, इतिहासकार और जाने माने जर्मन अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। सन 1821 ईस्वी में आज ही के दिन चर्च के वर्चस्व को ढहाने और यूरोप को विज्ञान व बहुसंस्कृति की ओर मोड़ने वाले नेपोलियन बोनापार्ट का निधन हुआ था। सन 1912 ईस्वी में आज ही के दिन स्वीडन के स्टॉकहोम में 5वें ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। सन 1916 ईस्वी में आज ही के दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का जन्म हुआ था। वह 1982 से 87 तक भारत के 7वें राष्ट्रपति थे और यह पद संभालने वाले पहले सिख व्यक्ति बने थे। सन 1937 ईस्वी में आज ही के दिन परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक मेजर होशियार सिंह का जन्म हुआ था। सन 1961 ईस्वी में आज ही के दिन अमेरिका के पहले अंतरिक्ष यात्री कमांडर एलन शेपर्ड अपने अंतरिक्ष यान से अटलांटिक महासागर में उतरे थे। उन्हें एक हेलीकॉप्टर ने पानी से बाहर निकाला था और शेपर्ड ने अपनी इस यात्रा को शानदार सैर करार दिया था। सन 1970 ईस्वी में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज समरेश जंग का जन्म हुआ था। 2002 में मैनचेस्टर में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते थे। सन 1975 ईस्वी में आज ही के दिन पुलित्जर पुरस्कार माइकल सारा को ऐतिहासिक उपन्यास किलर एंजल्स के लिए दिया गया था। सन 2005 ईस्वी में आज ही के दिन ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता टोनी ब्लेयर ने तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभाला था। सन 2006 ईस्वी में आज ही के दिन संगीत के जादूगर कहे जाने वाले संगीत निर्देशक नौशाद अली को ने दुनिया को अलविदा कहा था। सन 2009 ईस्वी में आज ही के दिन पाकिस्तान की स्वात घाटी को तालिबान उग्रवादियों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए प्रस्तावित सैन्य कार्यवाही को देखते हुए इलाके के हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया था। सन 2010 ईस्वी में आज ही के दिन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा विकसित नई पीढ़ी के उच्च क्षमता वाले साउंडिंग रॉकेट को परीक्षण उड़ान पर भेजा गया था। इसे देशी रॉकेटों में अब तक का सबसे भारी रॉकेट बताया गया था। इसमें एयर ब्रीथिंग तकनीक वाले स्क्रैमजेट इंजन मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया था। सन 2010 ईस्वी में आज ही के दिन सर्वोच्च न्यायालय ने संदिग्ध अपराधियों पर किए जाने वाले नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग अथवा पॉलीग्राफ टेस्ट जैसी जांच को अस्वीकार कर दिया और इसे निजी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन बताया था। सन 2012 ईस्वी में आज ही के दिन जापान ने 1970 के बाद पहली बार परमाणु ऊर्जा के बिना देश छोड़ने के लिए अपने परमाणु रिएक्टर को बंद कर दिया था। 2017 ईस्वी में आज के दिन इसरो ने दक्षिण एशिया उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। 2021 ईस्वी में आज के दिन जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल को 2021 के लिए अरलाइन पच्ड ग्लोबल विजन अवार्ड के 2 प्राप्तकर्ताओं में से एक घोषित किया गया था। 2021 ईस्वी में आज के दिन अफ्रीका में सबसे पुराना मानव दफन स्थल खोजा गया था। दफन स्थल 78,000 साल पुरानी दफन प्रथाओं में से अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है। आज 2022 में इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे है। इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स 1992 से प्रत्येक वर्ष 5 मई को आयोजित किया जा रहा है। यह दिन मिडवाइफ्स के काम को पहचानने और माताओं और उनके नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली आवश्यक देखभाल के लिए मिडवाइफ्स की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आज वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे भी है। यह प्रत्येक वर्ष विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के नाम से 5 मई को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस दिन का आयोजन कई गंभीर संक्रमणों को दूर करने में हाथ की स्वच्छता के बारे में महत्व के बारे में दुनिया भर के लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये थी आज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।